संजू सैमसन वेस्टइंडीज में फेल रहे, उनका खेल उनकी काबिलियत को मैच नहीं करता दिखा। शतक तो बड़ी दूर की बात है, इस भारतीय बल्लेबाज के बल्ले से अर्धशतक भी नहीं निकल पाए। ऐसे में अब वर्ल्ड कप के लिए उनकी उम्मीदें भी धूमिल पड़ चुकी है। वो चुने जाएंगे या नहीं कहना मुश्किल है। इन आशंकाओं के बीच आकाश चोपड़ा ने संजू सैमसन को लेकर जो कहा है वो गौर करने वाला है। आकाश चोपड़ा ने कहा है कि अगर टीम इंडिया ने संजू सैमसन के साथ भी वही किया जो उसने सालों पहले रोहित शर्मा के साथ किया था तो फिर वो भी रन उगलने लगेंगे, उनके बल्ले से भी शतक बरसते दिखेंगे। अब सवाल है कि टीम इंडिया ने रोहित शर्मा के साथ क्या किया था जैसा करने की बात आकाश चोपड़ा संजू सैमसन के साथ भी कर रहे हैं, तो इसका कनेक्शन टीम इंडिया में सैमसन के बैटिंग ऑर्डर से है। आकाश चोपड़ा ने उनके बैटिंग ऑर्डर को बदलने की बात करते हुए कहा कि ऐसा करते ही टीम इंडिया उनसे उनका बेस्ट निकाल सकती है। दरअसल आकाश चोपड़ा ने अपने YouTube चैनल पर संजू सैमसन को लेकर कहा कि अगर टीम इंडिया को संजू सैमसन से उनका बेस्ट लेना है तो फिर उन्हें बैटिंग ऑर्डर में ऊपर उतारे, ठीक वैसे ही जैसे कभी रोहित शर्मा के साथ किया था। बता दें कि रोहित शर्मा भी 2013 से पहले तक मिडल ऑर्डर में खेलते थे लेकिन फिर कप्तान एमएस धोनी ने उन्हें बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट कर ओपनिंग में उतारा और आज उसका रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने है। आकाश चोपड़ा ने संजू सैमसन के साथ भी वही तरकीब आजमाने की बात कही है। वेस्टइंडीज दौरे से पहले संजू सैमसन का बैटिंग औसत वनडे में 65 प्लस का था लेकिन इस दौरे पर खेली वनडे सीरीज के बाद वो घटकर 55.71 की हो गई है। वेस्टइंडीज में उन्होंने दो वनडे खेले जिसमें एक अर्धशतक के साथ 60 रन बनाए, वहीं T20 सीरीज की तीन पारियों में बस 32 रन ही वो बना सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आकाश चोपड़ा के इस सुझाव से आप सहमत हैं तो कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।